हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय थीजी एग्जाम। आज हम लोग रीजनिंग का सॉल्यूशन देखेंगे। ये प्री बीएड का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है ना, फ्री टेस्ट सीरीज, उसका फर्स्ट टेस्ट का रीजनिंग का सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन कल शाम को आना चाहिए था, लेकिन कल मेरे लैपटॉप में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, तो कल आया तो आज मॉर्निंग में ठीक कराने गया, तो ठीक कराने के बाद अभी दोपहर को मुझे मिला है। फिर दोपहर को मैं फ्री नहीं रहता, अभी फ्री हुआ हूँ तो अभी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जस्ट अभी घर पहुंचा हूँ और अभी आपके लिए सॉल्यूशन तैयार कर रहा हूँ। चलिए, तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, वो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये पहला क्वेश्चन था कल का, 5, 12, 39, 160। इसमें 160 के बाद कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। 5 और 12 के बीच का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालने का मतलब नहीं होगा यहाँ डिफरेंस कम है और यहाँ डिफरेंस ज्यादा है, डिफरेंस मतलब अंतर। 39 और 160 के बीच का अंतर ज्यादा है, 12 और 39 के बीच का अंतर कम है, तो डिफरेंस निकालने का मतलब नहीं है। 5 में 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 10 और 2 ऐड कर दो तो 12 आ गया, मतलब 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड कर दिया तो 12 आ गया। ठीक है, 5 2 10 प्लस 2 12। अब 12 में मल्टीप्लाई करो 3 का, 12 में 3 का मल्टीप्लाई करो और 3 ऐड कर दो तो 12 3 जा हो जाएगा 36, और 36 में 3 ऐड कर दो तो हो जाएगा 39। उसी प्रकार 39 में 4 का मल्टीप्लाई कर दो, करके देखो 4 का पहले, 4 3 जा 12, 12 और 3 15, और इसमें 4 ऐड कर दो तो 160 हो गया। समझ गए, अब सीक्वेंस समझ में आ गया क्या है। पहले 5 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ और 2 ऐड किया तो 12 आया, 12 में 3 का मल्टीप्लाई किया और 3 ऐड किया तो 39 आया, 39 में 4 का मल्टीप्लाई करके 4 ऐड कर दिया तो 160 आ गया। अब आपको 160 में 5 का मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर देना है, तो 16 5 80, मतलब 800 होता है, और 5 और जोड़ दो तो हो जाएगा 805, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 805। आई थिंक समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट करना। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा एक टेबल वाला है, इसको देखो क्या बन रहा है, इसमें पैटर्न क्या बन रहा है। यहां 5 का डिफरेंस है, यहां भी 5 का डिफरेंस है, यहां डिफरेंस ज्यादा हो गया, कितना हो गया 5 और 15 का डिफरेंस है, और इसमें कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 15 का डिफरेंस है क्या, 5 और 1 2, 15 का डिफरेंस है, यहाँ 20 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस भी देखो यहाँ पर घटा है और यहाँ भी घटा है, ठीक है, यहाँ घटा है और यहाँ भी घटा है, ओके, तो यहाँ 20 का डिफरेंस है, 40 में 20 घटा दो तो 20 आंसर आ जाना चाहिए, मतलब ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या कि नहीं आया, आ गया ना। अच्छा, इसका एक और तरीका दिख रहा है मुझे एक और तरीका दिख रहा है, इसका तरीका सिंपल दिख रहा है, 20 और 10 को ऐड कर दो तो कितना हो जाता है 30, और 30 का आधा होता है 15, 40 और 10 को जोड़ दो तो होता है 50, और 50 का आधा होता है 25, ठीक। 60 में क्या जोड़े, 60 में क्या जोड़े, मैं x जोड़ा और उसको आधा किया तो 40 आ रहा है, तो कर दो 80 80 20, यहाँ भी 20 आ रहा है, मतलब आंसर आने वाला है यहाँ 20, ठीक है, तो 60 और 20 80 हो गया, 80 का आधा 40, मतलब आंसर होगा 20। आई थिंक समझ में आया होगा, ये भी है ना, सिंपल सा पैटर्न है, ज़्यादा टफ नहीं लगा मुझे तो। अब अगला क्वेश्चन देखें, यदि ए का अर्थ है घटाओ, ए का मतलब है घटाओ, चलो उसको बना लेते हैं, ये 305। पहले बी का मतलब देख लो तुम लोग, बी का मतलब, बी का अर्थ है भाग, तो यहाँ लगा दो भाग और 5। ए का अर्थ है घटाओ, तो यहां ए की जगह आपको लिखना है घटाओ, मतलब माइनस। फिर सी, सी का अर्थ देख लो, सी का अर्थ है जोड़ और यहां 43, और डी का अर्थ है गुणा, तो ये 12 से गुणा कर देना है। अब आपको पता है बॉडमास एक रूल मैंने बताया है कई बार, बी ओ डी एम एस, बॉडमास। बॉडमास क्या होता है, ब्रैकेट और ऑफ को हटा दो, तो पहले डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ, ये करना है आपको। तो पहले 305 में 5 का कर दो, भाग कर दो, तो 5 6 जा एंड 5 1 जा 61 आ गया, 61 माइनस 28,
उसके बाद अगले स्टेप में मैं 43 और 12 को मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, तो 12 का 3 गुना 36 होगा, 36 का मैं लिखूंगा 6, हासिल में लिख दूंगा 3, तो 12 4 48 है ना, 48, और 48 में 2 ऐड कर दो 50, एक और ऐड कर दो तो 51, बड़ा नंबर आ गया। अब ऐड कर दो और -28 से घटा दो, बस 516 में 61 जोड़ दो, तो ये 7, 6 और 1 7 और 5, 577 में 28 माइनस कर दो, 8 में 7 गया, 9 10 में 1 गया, मतलब आंसर आ जा रहा है 549। माइनस बस करना है यार, माइनस कर दो, आंसर आ गया 549। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 549। ठीक है, आंसर है 549, ये टिक नहीं हो पाया, ये आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न तो फिर अल्फाबेट आ गया ना, अल्फाबेट मैंने आपको बताया ऐसे ही आपको लिखना है, नंबर ए लिखना है, फिर बी लिखना है, फिर सी लिखना है, ऐसे करते करते एम तक जाना है, फिर एम के नीचे एन लिखना है, फिर इस तरह से करते करते जेड तक जाना है। इसका नंबर 1 2 3 ऐसे करते करते जाना, ये 13 होगा, ये वाला 14 होगा, ऐसे करते करते आपको 26 तक पहुंचना है। ठीक है, 26 ऐसा लिखो, तो पहले लिखो उसको, ये मैंने लिख लिया। अब नंबर देखो, यू कितना दे होता है, नंबर देखो, यू है 21, तो लिखा 21, ई 5 होता है तो जोड़ तो के देखो, तो 5 1 6 और 2 26, 26 का डबल होता है 52, समझ गए क्या सीक्वेंस बन रहा है, इन दोनों को जोड़ना है और 2 से गुणा करना है। एस का नंबर क्या है देखो, एस है 19 और एन है 14, जोड़ दो, 9 और 1 10 3 13 33, 33 का डबल हो गया भैया 66। आई का नंबर बता दो, आई देखो आई 9 है और एक्स का नंबर होता है 24, इसको भी जोड़ दो तो 33 हो गया, 33 का डबल आ जाएगा 66, यहाँ भी 66, मतलब आंसर है ऑप्शन बी, समझ गए, आई थिंक समझ गए होगे। अगला प्रश्न है, बॉल्स फुटबॉल गोले, बॉल्स फुटबॉल स्फीयर्स, दोनों ही स्फीयर है ना, मतलब एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर बॉल्स भी आ जाएगा और उसके अंदर फुटबॉल, ये स्फीयर बॉल, क्योंकि फुटबॉल भी तो एक बॉल ही है ना, फुटबॉल क्या है, एक बॉल ही तो है, और फुटबॉल इस तरह का होगा, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन बी, क्योंकि देखो ध्यान समझो यार, हर एक सारे ये बॉल और फुटबॉल दोनों स्फीयर होते हैं ना, स्फीयर होते हैं, गोले होते हैं, गोल, अब सारे बॉल स्फीयर हैं, ठीक समझ रहे हो ना, स्फेरिकल होते हैं शेप में, और सारे जो फुटबॉल है वो एक्चुअली क्या है, बॉल की कैटेगरी में तो आते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या करना होता है ना, इसमें बेसिकली करना क्या होता है, 3 और 12 के बीच आपको रिलेशन निकालना पड़ता है, 3 और 12 कैसे संबंधित है, इनके बीच क्या संबंध है, आपको संबंध निकालना है 3 और 12 के बीच में। तो मेरे को ऐसा दिख रहा है, 3 चौक क्या होता है 12, तो 5 चौक क्या हो जाएगा 20, एकदम सरल आंसर है, ऐसे पिद्दी क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, ठीक है, देखने से आपको लगेगा यार बहुत टफ है, दिख नहीं रहा, लेकिन बहुत सिंपल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दर्पण है अब दर्पण है, ध्यान समझना, दर्पण वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये दर्पण है, ये जो ऑब्लिक लाइन खींच रहा हूं ना, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इधर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जिधर से आप अपना चेहरा देखोगे मिरर में, ये मिरर का बैक है पिछला हिस्सा, ये मिरर का सामने का हिस्सा इधर वाला, ठीक है, ये बैक है मिरर का बैक और ये सामने का हिस्सा है, ठीक है, फ्रंट है। अब ये मिरर है तो इस मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है ऐसा, ये ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा कुछ ऐसा, फिर ये ऐसा खिंचाया हुआ है, ध्यान समझना, फिर यहां से एक और ऐसे खिंचाया है और ये ऐसा मुड़ा है आई थिंक, और ये वाला ऐसे मुड़ गया है, ऐसा कुछ बन रहा है पिक्चर। तो मिरर में ना ये जो ट्रायंगल है ना, ऐसा वाला जो दिख रहा है ऐसा वाला, ये ऐसा बन रहा होगा, देखो कहां कहां पर ऐसा बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा काट दो, इसमें भी नहीं बन रहा काटो, नहीं, एक सेकंड सोचने दो, हाँ, इसमें भी नहीं बन रहा ना, यहाँ बनना चाहिए ऐसा ट्रायंगल, यहाँ भी ट्रायंगल नहीं बन रहा एकदम से शार्प ट्रायंगल, यहाँ भी नहीं बन रहा, मतलब ऑप्शन डी सही होगा। देखो ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है, इसमें जब भी मिरर का क्वेश्चन आएगा ना, मिरर मिरर मतलब दर्पण, जब भी दर्पण से प्रश्न आएगा ना, तो बहुत ही सरल प्रश्न होने वाला, आपको एलिमिनेट करना है। देखो यहाँ पर कैसा ट्रायंगल दिख रहा है कि आपको, ट्रायंगल दिख रहा है यहां पर, देखो मैं फिर से बता दूं, यहां पर आपको ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है, तो यहां पर क्या बनना चाहिए, ऐसा वही ट्रायंगल बनना चाहिए, इसमें बन रहा है क्या ट्रायंगल, ऐसा नहीं बन रहा है,
इसमें भी ऐसा ट्राइंगल नहीं बन रहा जैसे यहां बन रहा है, ऐसे ऐसे टाइप का, यहां ये बड़ा बन रहा है थोड़ा। ठीक है, ध्यान से देखो, इस वाले में ये तो पूरा नहीं है, इसको देखो, यहां पर देखो ये फिगर, थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊं आपको, ये जो नीचे वाला फिगर दिख रहा है यहां पर, इस फिगर में और यहां पर थोड़ा डिफरेंस, अंतर है, यहां पर बीच में स्पेस है, यहां जगह खाली है, लेकिन यहां पर जगह खाली नहीं, एकदम से सटा दिया है, तो ये नहीं होगा, यहां पर फिर जगह खाली है, मतलब आंसर डी होगा। इससे सिर्फ आपको पहचानना है क्वेश्चन को, ठीक है, इसका आंसर डी होगा। मिरर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना अगर नहीं समझ में आया होगा तो। अब ये दो कथन है, कथन दिया है, सभी मग टब है, ऑल द मग, ऑल मग्स आर टब, ऑल मग्स, ये मग्स है, सारे मग्स क्या है, टब है, तो मग को डाल दो टब के अंदर में। ऑल टब्स आर बकेट, ऑल टब्स आर बकेट, ये लो डाल दो, सारे टब क्या है, बकेट है। अब कंक्लूजन क्या है, ऑल मग्स आर बकेट, ऑल मग क्या बकेट के अंदर में है, बिल्कुल सही है, मतलब पहला सही है, ऑल बकेट्स आर मग, ऑल बकेट मग नहीं है भाई, ये बकेट का एक हिस्सा है लेकिन मग के अंदर नहीं है, तो नहीं होगा, गलत होगा, मतलब ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, मतलब ऑप्शन ए, निष्कर्ष वन, निष्कर्ष ये जो वन है ना केवल अनुसरण करता है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, सभी प्लेट चेयर हैं, सभी प्लेट, ऑल प्लेट्स आर चेयर, ऑल प्लेट्स आर व्हाट, चेयर, ऑल प्लेट्स आर चेयर, सम चेयर्स आर टेबल, सम चेयर्स आर टेबल, दिस इज सम चेयर्स आर टेबल। अब कंक्लूजन देखो, ऑल प्लेट्स आर टेबल, सभी प्लेट टेबल है, ऑल प्लेट्स टेबल, कुछ मिल ही नहीं रहा है तो कहां से है, गलत है ये। दूसरा पढ़ लो, सम प्लेट्स आर टेबल, सम प्लेट्स आर टेबल, नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, ना ऑल मिल रहा ना सम मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, मतलब बी भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सी, ना तो एक और ना ही दो, कोई अनुसरण नहीं कर रहा है, नीदर वन नॉर टू फॉलोज, ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न है, एक्स जेड, तो यहां पर क्या आएगा, और सी, मतलब एक्स और जेड में जो संबंध है वैसे यहां पर जो नंबर आएगा उसके साथ सी के साथ संबंध होगा। चलो पहले सोर्स तो लिए हो गए, टेस्ट तो दिए हो गए ना, सोल्यूशन देख रहे हैं इसका। अच्छा, आप कई लोग को पता नहीं होगा, मुझे कमेंट करेंगे इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम में, 2 दिन पहले, कल परसों अपलोड किया गया था, कल इसका सॉल्यूशन आने वाला था, है ना, ये टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन है, तो जिन्होंने नहीं दिया है वो देख लो यार, टेलीग्राम में जाओ, सर्च करो माय सीजी एग्जाम, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाके ज्वाइन कर लो और बना लो। अब चलो मैं करता हूं, एक्स और जेड, मतलब एक्स के बाद क्या आता है, एक्स के बाद आता है वाई और उसके बाद जेड, मतलब एक का डिफरेंस है प्लस वन, तो यहां पर देखो ए के बाद बी आता है, उसके बाद सी प्लस वन, मतलब यहां आ जाएगा ये, ए सही आंसर, ऑप्शन बी, समझ गए ना, नहीं समझे क्या, एक्स के बाद वाई फिर जेड, ए के बाद बी फिर सी, तो ए और सी है होगा यहां पर, यहां पर क्या आएगा, ए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़का कहता है, वह उस महिला की बेटी है जो मेरे माँ के पति की माँ है। हिंदी पढ़ो ना तो थोड़ा सा अलग ही फील आता है, देखिए इसका जैसे पढ़ता हूँ मैं, यहाँ से थोड़ा अच्छे से क्लियर होता है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ लेडी, अ बॉय सेज, एक लड़का है, बॉय है, वो लेडी की तरफ, एक यहाँ लेडी है समझ लो, एक लेडी है, इस लेडी की तरफ इशारा कहते करते हुए लड़का कहता है, शी इज द डॉटर ऑफ दी विमन हु इज द मदर ऑफ दी हस्बैंड ऑफ माई मदर। अच्छा क्या बोल रहा है, ध्यान समझना, अब क्या बोल रहा है इसको समझो, शी इज द डॉटर ऑफ वुमन, मतलब ये जो लेडी है ना वो एक वुमन है, एक महिला है, उसकी डॉटर है, मतलब ये लेडी जो है ना इस वुमन की क्या है, बेटी है, मतलब ये माता जी है और ये उसकी पुत्री है, ठीक है, समझ में तो आया यहां तक। अब आगे क्या बोल रहा है, शी इज द डॉटर ऑफ दी वुमन, यहां तक मैं बता दिया, आगे फिर बोल रहा है, हु इज द मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर, मतलब ये बॉय की जो मम्मी है, इस बॉय की जो मदर है और उसके हस्बैंड, मतलब बॉय के पापा, और उसके पापा की मदर है ये जो वुमेन है ना, इसके पापा की मदर है, मतलब ये जो लेडी है इसके पापा की बहन है, मतलब लड़के की बुआ हुई, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नहीं समझे, फिर समझाता हूँ, फिर समझा रहा हूँ, यहाँ एक बॉय है, बॉय है, बॉय एक लेडी की तरफ इशारा करता है कि ये जो लेडी है ना इसकी जो मम्मी है,
इसकी जो मदर है और मेरे जो मम्मी है उसके हस्बैंड, और उस हस्बैंड के मम्मी, ये जो महिला है ये दोनों सेम है, मतलब इसकी मम्मी और इस लेडी की मम्मी दोनों सेम है। तो मतलब ये हस्बैंड और लेडी आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे, समझ गए। तो ये बॉय के पापा है तो ये बुआ होगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर से दर्पण आ गया भाई, दर्पण देखो, एलिमिनेशन करो। अब इसका इमेज यहां बनेगा, पीछे यहां पर बन रहा होगा, तो ऐसा ट्राइंगल ही बनेगा। तो यहां भी ट्राइंगल है, यहां भी अपसाइड है, यहां भी डाउन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन हटा दो इसको, मतलब ऑप्शन डी को पहले हटा दो, ये डी ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकता। डी आंसर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उल्टा बन गया यार, उल्टा थोड़ी बनेगा इमेज। ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ही बनेगा, ठीक। अब ये वाला जो लाइन ऐसे है ना, वो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ये जो नीचे है वो ऐसे आ जाएगा। तो देखो कहाँ कहाँ पर ऐसा हो रहा है, इसमें नहीं है काट दो, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, और इसमें है, मतलब बी और सी में से कोई एक होगा, या तो बी और या तो सी। अब देखो इसमें ऐसा है ना, तो इसमें ऐसा होगा, ऐसा। तो देखो कहाँ लाइन है, बी में है कि सी में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी क्या हो जाएगा आंसर, समझ गया ना। लाइन ऐसा बनेगा ना, ऐसा है, क्योंकि इसमें लाइन ऐसा खिंचाया है, ऐसे ऐसे खिंचाया है, तो इमेज में ऐसा लाइन खिंचाएगा, ठीक है। तो बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, देखो अच्छा प्रश्न है ये, इसमें क्या रिलेशन दिख रहा है, एक मिनट पानी पी लूं मैं। क्या रिलेशन है जरा सोचो। इसमें रिलेशन जा रहा है 7 का आधा ही तो है 3.5, 7 का आधा 3.5, और 3.5 का आधा 1/3, 3/4, आधा तो है। देखो 7 का आधा क्या होता है, 7/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकता हूँ, 3/1/2। अब 7/2 का आधा क्या होगा, 7/4। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, 4 × 4 कितना बच गया, 3/4, तो है। तो 18 का आधा 9, 9 का आधा 4/4, 19 का आधा 9.5, और 9.5 का आधा 4/3/2, तो 10 का आधा 5, और 5 का आधा 2.5, तो आंसर होगा 5। नहीं समझ में आया क्या, सिंपल आधा आधा का खेल है, 7 का आधा ये है, उसका आधा ये है, 18 का आधा 9, 9 का आधा 4.5, 19 का आधा 9.5, और 9.5 का आधा 4/3/2, तो 10 का आधा 5, और 5 का आधा 2.5, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, लड़कों की एक पंक्ति में सुनील का स्थान बाएं से 20 और दीपक का स्थान दाएं से 36 है, ठीक है। लड़कों की एक पंक्ति में सुनील का स्थान लेफ्ट से 20वां नंबर है, ये सुनील है, यहां पर सुनील बैठा हुआ है, मतलब यहां पर कोई पहले नंबर में बैठा होगा, फिर कोई दूसरे नंबर में बैठा होगा, फिर कोई तीसरा बैठा होगा, ऐसे करते करते 20वें नंबर में सुनील बैठा है लेफ्ट से, और राइट से दीपक भाई बैठा है 36 नंबर पे। यहां पर दीपक भैया बैठे हैं, ठीक, दीपक यहां बैठा है। अब बोलता है अपनी स्थान ये बदल लेते हैं, तो सुनील बाई ओर से 28वें स्थान पे आ गया, जो सुनील है अपना, अब सुनील यहां पर आ जाएगा ना दीपक की जगह पे, और दीपक यहां जाएगा, तो जो सुनील है ना 28वें नंबर पे आ गया बाई ओर से। तो मतलब ध्यान से आपको जो नंबर नोट करना है वो ये वाला, ये जो नंबर है ना यहां पर जो बैठा है, ये जो सीट है, ये वाला, ये जो सीट है यहां पर का, ये इधर से गिनेंगे तो 28वें नंबर पे गिना आता है, और इधर से गिनेंगे तो 36वें नंबर पे गिना आता है। तो आपको पूछा जा रहा है कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है P+Q-1। P मतलब 36, Q मतलब 28, और एक घटा दो, तो 36 में 28 को जोड़ दो और एक घटा दो, वही आपका आंसर है, ठीक है, वही आपका आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विक्रम बिंदु आर से चलना शुरू किया, मैं मान लो ये बिंदु आर है भैया, यहां से चलना शुरू करता है और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। तो पहले बना लेते हैं, पश्चिम किधर है, ये नॉर्थ होता है, इधर साउथ है, इधर जो इधर ईस्ट है, पूर्व है, और इधर वेस्ट है, पश्चिम है। तो क्या करता है, विक्रम आर से चलना शुरू किया और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, ऐसे इस डायरेक्शन में 7 किलोमीटर चला वो, फिर बाएं की ओर मुड़ता है, बाएं मतलब क्या होता है लेफ्ट, तो ये उसका लेफ्ट होगा, इधर लेफ्ट की ओर उधर मुड़ा, ऐसे ये उसका लेफ्ट है, इधर मुड़ा लेफ्ट है ना, कोई पर्सन इधर खड़ा इधर जा रहा है, तो ये उसका राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा, तो वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चला, फिर से बाएं मुड़ता है। अब इधर जो इंसान जा रहा है ना, इधर नीचे जा रहा है, तो
तो ये उसका लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा, तो लेफ्ट मुड़ा, अब कितना चला, फिर से बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला, यहां तक चला, यहां रुक गया, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 7 है, ये 7 है टोटल, ये 4 मान लो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 है। वह आर से किस दिशा में है, अब ध्यान से थोड़ा समझना, आर से किस दिशा में है, क्या बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, तो आर से किस दिशा में, तो वैसे लाइन खींच देता हूं ऐसे थोड़ा समझने के लिए। तो ये आर का नॉर्थ हो गया, ये आर का साउथ हो गया, ये आर का वेस्ट हो गया, मतलब साउथ ये कौन सा डायरेक्शन होगा, तो एस डब्ल्यू होगा ये, साउथ वेस्ट, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, आंसर हो गया दक्षिण पश्चिम, आई थिंक समझ में आया होगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। पी क्यू का भाई है, अगला प्रश्न है, पी क्यू का भाई है, पी जो है क्यू का भाई है, तो ऐसा बना लेता हूं, ऐसा एक सिंबल बना लेते हैं, पी भाई है, तो भाई है तो प्लस लगा दिया हूं, और क्यू के बारे में जानकारी नहीं है, महिला है कि पुरुष है नहीं पता, मेल है फीमेल है नहीं पता, लेकिन पी भाई है, तो भाई हमेशा मेल होगा। एम क्यू की बहन है, एम जो है क्या है, बहन है, एम बहन है, तो माइनस लगा दिया, लेकिन अभी भी क्यू के बारे में नहीं पता कि वो मेल है कि फीमेल है। टी पी का भाई है, टी जो है भाई है पी का, तो टी भी भाई है, तो प्लस हो गया, भाई है। और क्यू किस प्रकार, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है, तो क्यों क्या होगा बोल रहा है, टी का भाई है कि बहन है नहीं पता, या तो भाई होगा या तो बहन होगा डेफिनेटली, तो इसका आंसर है सी, या तो भाई या तो बहन, ठीक, क्योंकि क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता चला ना कि ये मेल है कि फीमेल है नहीं पता, अभी कंफ्यूजन है, इसलिए आंसर हो जाएगा भाई या बहन। अगला प्रश्न है, ये जो फ्लैटर है वो उसको इस तरह से लिखा गया है और मदर को इस तरह से लिखा गया है, तो आपको इसका ये जो नंबर दिख रहा है, ये जो लिखा है एम ए एम एम ओ टी एच, इसको आपको किस कूट भाषा में लिखा जाएगा बोला जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले देखना इन दोनों में कॉमन क्या है, टी कॉमन है, तो टी का कोडिंग देखो, टी का चौथे नंबर पे है, तो चौथे नंबर पे 8 और पांचवे नंबर पे भी 8 या तीसरे नंबर में भी 8, मतलब इसका मतलब सिंपल सा है कि नंबर रिपीट हो रहे हैं। ये आर का देख लो, आर कितना है 9, यहाँ आर कितना है 9, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एफ बराबर 7 है, एल बराबर ये 2 है, ए बराबर 3 है, आई थिंक समझ रहे हो आप लोग, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ये जो F है, इस F का मतलब 7 है, L का मतलब है ये 2, फिर A का मतलब है, ये A का मतलब है क्या होगा, ये 3, ठीक है, T का मतलब 8 8, और E का मतलब 5 और R का मतलब 9, तो लिखो फिर M कितना है, M है 4, कैसे पता चला, ये M और ये पहला 4, M 4 है, A कितना है, तो यहाँ से देखो A कितना है, ये F L A 3, तो 4 3, तो 4 3 में तो उसके बाद फिर M, तो M कितना है, M 4 है, तो 4 4, तो 4 3 4 4 4 3 4 4, ये C और D में से कोई एक होगा। O कितना है, O देखो O है 6, तो 4 3 4 6, और फिर T देख लो, T कितना है 8 है, फिर H कितना है, H है 1, तो 8 और 1, ये 8 और 1, मतलब इसका आंसर हो जाएगा C, ठीक है, इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न भी आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, यदि मैं सूर्य को चंद्रमा कहूं, चंद्रमा को पृथ्वी कहूं, पृथ्वी को मैं अगर आकाश के नाम से बोलूं और आकाश को मैं तारा बोल दूं, तारा को भी सूर्य बोल दूं, ध्यान से सुनना ये कोडिंग है, मतलब मैं सूर्य को चंद्रमा कहता हूं, ठीक है, चंद्रमा को पृथ्वी के नाम से पुकारता हूं, पृथ्वी को आकाश के नाम से पुकारता हूं, आकाश को तारा के नाम से और तारा को सूर्य के नाम से पुकारता हूं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है पंछी कहां उड़ेंगे, तो पंछी कहां उड़ते हैं, आकाश में, पंछी कहां उड़ते हैं आकाश में, लेकिन आकाश को मैं क्या कह रहा हूं, आकाश को मैं कह रहा हूं तारा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा तारा, ठीक, आकाश को कैसा कोड किया गया है, तारा नाम से, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तारा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। प्रणव 10 किलोमीटर उत्तर में गया, तो फिर से बना लो डायरेक्शन, ये उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूर्व और ये वेस्ट मतलब पश्चिम, तो प्रणव 10 किलोमीटर उत्तर में गया, तो 10 किलोमीटर उसको उत्तर लेके जाओ, ये 10 किलोमीटर गया उत्तर की ओर, यहां से चालू किया, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ गया, तो ये पश्चिम है और 10 किलोमीटर चला, ठीक है, पश्चिम में 10 किलोमीटर चला, ठीक, चला लिए इधर, एरो जरूर लगाना, एरो से समझ में आएगा किधर जा रहा है, फिर वो दक्षिण मुड़कर 5 किलोमीटर चला, अब दक्षिण मुड़ के 5 किलोमीटर चला, ये 5 किलोमीटर चल गया,
अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। ये लो यहां पहुंच गया। अब यहां पर कहां पर है वो? यहां पर ऐसे में दिखाई देगा, यहां पर है अभी वो, यहां से चालू किया था। अब प्रश्न पूछा जा रहा है वो अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है? तो उत्तर की ओर है। आरंभिक दिशा से किधर जा रहा है? उत्तर की ओर है, समझ रहे हो? यहां पर खड़ा है वो, यहां खड़ा है, और मतलब यहां से चालू किया था, ये पॉइंट से चालू किया है और अभी यहां पहुंचा है, तो उत्तर की ओर जा रहा है ना। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चार आरेखों में से वह आरेख चुनिए जो भाषाओं फ्रेंच जर्मन के बीच संबंध बताता है। मतलब दोनों तो भाषा है ना, ये भाषा बना लिया, ये भाषा है, लैंग्वेज हो गया, फ्रेंच भी एक लैंग्वेज है और जर्मन भी एक लैंग्वेज है, तो ऐसा कुछ बन रहा है क्या? ये बन रहा है। ठीक है, आंसर यही होगा फिर। ठीक है, ऑप्शन जो 3 है वो सही है। अब ये ट्राइंगल काउंट करना वाला ना बड़ा पेचीदा होता है, गिनो, चलो गिनते हैं से। एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये वाला 4 हो गया, और क्या बन रहा है देखो भाई, देखो ये वाला 5 हो गया, फिर ये वाला, ये पूरा ले लूं तो 6 हो गया, इधर ही पूरा ले लूं तो 7 हो गया, ऐसे ले लिया तो 8 हो गया, फिर ऐसा गिन दिया तो 9 हो गया, इसको भी ऐसे गिन दिया तो 10 हो गया। अब 10 के बाद कैसे बन रहा है सोचना पड़ेगा। फिर अगर ऐसा जोड़ दूं, ये वाला पोजिशन, ये वाला, ये 11 हो गया। ठीक है, 11 हो गया, और कौन सा बन रहा है ट्रायंगल? तो मुझे तो 11 ही दिख रहा है, 11 ऑप्शन में नहीं है, मतलब ज्यादा होगा। आंसर देखते हैं, आंसर तो और ज्यादा आ रहा है, 14 आंसर आ रहा है। देखिए एक बार कौन कौन सा बन रहा है। ये एक हो गया, ऐसे बना लिया, दो हो गया, ऐसे बना लिया, तीन हो गया, ऐसे बना लिया, चार हो गया, ऐसे बना लिया, पांच, छह ऐसे ही हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, 8 हो गया, अब रफ करो, ये वाला बना लो 9 हो गया, ये वाला बना लो 10 हो गया, तो और कौन सा बना? अच्छा ये भी बचा एक, एक काउंट हो गया शायद, ये 11 हो जाएगा ना, ये 11 हो गया, ये 11 हो गया, और रफ करो, 11 तुम तो पहुंच ही रहे हैं, 12 13 14, शायद आंसर गलत हो, आप लोग काउंट करना और फिर बताना कमेंट करके कितना आ रहा है, कागज में बनाओ और कागज में बना के काउंट करो, फिर मैं भी इसका आंसर आप लोग को टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा कि कैसे 14 हो रहा है या फिर 11 या 12 हो रहा है, देख लेंगे काउंट करके एक बार, और कागज में बनाओ समझ में आएगा। एक और प्रश्न है, इसमें भी समांतर चतुर्भुजों को काउंट करना है, पैरेललोग्राम को, तो ये एक हो गया है, देखो ऐसा एक, फिर ये दो, ये तीन, चार, पांच, छह, छह तो ऐसे हो गया, छह के बाद ऐसे बना लो 7, 8, 9, 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 9 के बाद, 9 के बाद ऐसे भी गिन सकता हूँ, ये ऐसे 10, 11, 12, 13, 13 हो गया, 13, 13 के बाद ऐसे भी काउंट किया जा सकता है, 14, 15, ठीक है 15 हो गए, और एक ये पूरा 16, ठीक है 16, ये इजी था। अगला प्रश्न है, इन अ सर्टेन कोड मिशंस इज रिटन एज लाइक दिस, तो ऑनलाइन कैसे लिखाएगा? तो देखो लिखाया कैसे समझो, एम तो अपने जगह पे है, ये जो एम है, ये जो एम है अपने जगह पे है, ये एस पहले लिखा गया और आई बाद में लिखा है, मतलब एस पहले और आई बाद में, सिमिलरली ये आई पहले और एस बाद में, एन पहले ओ बाद में, और ये एस अपने जगह पे है, समझ गए? आई थिंक समझ में तो आया होगा। तो ऑनलाइन कैसे लिखाएगा? ये ओ की जगह ओ लिखाएगा, ये एल पहले लिखा जाएगा और एन बाद में लिखाएगा, उसी प्रकार ये एन पहले लिखाएगा और आई बाद में लिखाएगा, और ई अपनी जगह पे, देखो ओ एल एन एन आई, ओ एल ओ एल एन एन आई ई, ये आंसर होगा, ऑप्शन है। ठीक, अगला प्रश्न है, नीचे दिए घन की 3 अवस्थाएं, अच्छा देख लो, तो डॉलर के विपरीत फलक पर कौन सा होगा? डॉलर, तो डॉलर यहां पर दिख रहा है आपको, तो उसको डॉलर को पहले लिखो,
उसके ऐसे घूम रहा हूं मैं ऐसे, तो डॉलर के बाद क्या आ रहा है परसेंटेज, तो परसेंटेज लिखा, उसके बाद क्या आ रहा है स्टार आ रहा है स्टार। सिमिलरली डॉलर इसी डायरेक्शन में घूमो, इसी साइकिल में, डॉलर के नीचे डॉलर, इसके नीचे प्लस, और स्टार के नीचे आ गया ऐसा वाला चिन्ह। अब बचा क्या, एंड आ रहा है, ये एंड ही अपोजिट होगा डॉलर के, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि क्योंकि स्टार ये जो परसेंटेज है ना ये प्लस के विपरीत है और स्टार के विपरीत ये वाला विपरीत है, तो डॉलर का विपरीत हो जाएगा एंड। अगला प्रश्न है 20 बराबर को हम लोग 399 लिख रहे हैं, 20 को क्या लिख रहे हैं 399, तो 20 का वर्ग -1, 20 का वर्ग होता है 400 -1, तो कितना आ गया 399, तो 15 का वर्ग कितना होगा 225, इसमें एक घटा दो तो 224, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने टोटल कितने 25 प्रश्न किए, 25 प्रश्न सॉल्व किए। ठीक है, कल भी आपका एक टेस्ट होगा, उसका पेपर कल ही मिलेगा आपको, वो है जीके का, है ना, जीके में 25 प्रश्न है, कल मिलेगा। ठीक है, अब देख लो आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, पेपर का लेवल इजी था तो कैसे मार्क्स काउंट करना है मार्क्स भी देख लो यार, है ना, बीएड का एग्जाम देने जा रहे हो तो मार्क्स भी देख के जाओ कैसे मार्क्स आपको मिलना है। जैसे टोटल 25 प्रश्न है, अब 25 में मान लो आपके 20 क्वेश्चन सही हुए और 4 गलत हो गए, तो माइनस मार्किंग तो है ही नहीं, है ना, माइनस मार्किंग तो है ही नहीं, तो सीधा 20 नंबर मिल गया, माइनस मार्किंग है नहीं तो 20 नंबर मिला, 20 मार्क्स। ठीक है, अगर माइनस मार्किंग होता तब कैलकुलेशन करते, सीधा 20 मार्क्स मिला, मतलब 25 में आपको 20 आ रहा है, ऐसा समझ लो। ठीक, तो आना चाहिए, मैं बता दूं, आना चाहिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी में मार्क्स आना चाहिए 20 या 20 से ज़्यादा आना चाहिए, और SC ST कैटेगरी में ये आना चाहिए 15+ आना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए इतना आना ही चाहिए। अब देखो आपके मार्क्स कितने आए। ठीक है, और रोज रोज एक ही कमेंट आता है, सर सिलेबस क्या है, सर कौन से बुक से पढ़ें, और क्वेश्चन आता है सर जनरल ओबीसी ST SC कट ऑफ कितना जाएगा, ये सब क्वेश्चन रोज पूछे जाते हैं कमेंट में डेली। मैं कितने को टाइप करके बताऊं, जब मैं वीडियो में बताई तो देता हूँ, हर बार वीडियो में बता दिया कि कौन कौन सा सिलेबस है, सबके लिए अलग से वीडियो बना के तो रखा है यार, लेकिन फिर से वही वही कमेंट करते रहते हो। एक बार वीडियो देखो ना, वीडियो पूरा देखो, सब समझ में आएगा, सब तो बताया हूँ। ठीक है,